चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज फ्लोइंग इन अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर एंड अ चोक. चोक कॉइल को इंडक्टर कहा जाता है. देखो यहाँ एल से डिनोट किया हुआ है. सीरीज इंपेडेंस ऑफ द सर्किट. देखो ये एक रेजिस्टर है, साथ में ये एक इंडक्टर है, और इसके साथ एक एसी सोर्स लगा दिया गया है. एसी का सोर्स है, ठीक है, रेजिस्टर इंडक्टर, और इसका वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा. इसमें वोल्टेज आगे होगा VL और I, दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा. दोनों को कंबाइंड अगर करें, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा साइज में फिगर फेजर डायग्राम बना दूं, तो ये कुछ इस तरह का होगा, और VL और VR का रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा V नेट, ठीक है. और अगर मैं इसमें I से डिवाइड कर दूं, इसमें भी और इसमें भी I से डिवाइड कर दूं, तो यही चीज बन जाएगी R VL बाई आई XL हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका V नेट बाई आई Z हो जाएगा. ये करंट का फेज है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल फाई, और ये XL है तो ये भी XL होगा, ये भी XL होगा. ये VL, अगर मान लो VL है तो ये भी VL होता, अपॉन I किया मैंने बाद में, ठीक है. तो अब देखो रिजल्टेंट Z स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 90 डिग्री का एंगल है. Z स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर. XL का स्क्वायर, XL इज इक्वल टू क्या होता है, टू L ओमेगा. XL इज इक्वल टू L ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू या 2 पाई f, 2 पाई f ये वैल्यू XL की अगर मैं यहां रख दूं तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू L इंटू 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर. थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, न्यू की जगह f कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी f डिनोट किया ना, तो f स्क्वायर l स्क्वायर, ये हो जाएगा z की वैल्यू r स्क्वायर अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर l स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन सही है? b वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.